पूरे बिहार में जमीनी विवाद समस्या का समाधान के लिए बिहार के सभी थानों पर हर एक शनिवार को जमीनी विवाद समस्या के लिए शिविर का आयोजन होता है। कई समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो एक पक्ष नहीं आने के कारण उस समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि जो आवेदन करता है वो नहीं आते हैं, उनके जो बिचौलिया हैं वो थाना पर आके अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है, जो आवेदक है वही आवेदन देगा और वही शनिवार स्तरीय शिविर में आकर अपनी समस्या का समाधान करेगा। कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं इस संबंध में, जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय थाना परिसर में लगे जमीनी विवाद समस्या का समाधान के जांच शिविर में आए दरभंगा सदर प्रखंड के राजस्व पदाधिकारी से जब हमने जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि जो आवेदक हैं या उनके सगा संबंधी हैं वही इस समस्या के लिए थाना पर आ सकते हैं। वहीं कई ऐसे मामले भी होते हैं जो पेचीदा होने के कारण संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। क्या सरकार का नियम है, इससे क्या फायदा होता है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सरकार के आदेश के आलोक में जमीनी विवाद निपटारा के लिए हर शनिवार को शिविर लगाया जाता है, आज भी लगाया गया, क्या कहेंगे आप? इसके मामले में मैं यही कहूंगी कि ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे छोटे विवाद जो कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेते हैं उनको हम नीचे शनिवारीय भू विवाद शिविर के माध्यम से सुलझा सकें, और जो छोटे छोटे सीमांकन से संबंधित रहते हैं या अलग अलग एक ही खेसरा पर दो लोगों का दावा रहता है तो साक्ष्य को देख करके हम लोग उसको निष्पादित कर सकें, जिससे कि शांति व्यवस्था समाज में कायम रह सके। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकतर विवाद भू विवाद से संबंधित रहता है, तो इसमें ये सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। हम लोगों का उद्देश्य रहता है दोनों पक्ष आवें, दोनों पक्ष को सुने, उनके साक्ष्य का अवलोकन करें, और साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद जो न्याय संगत सुझाव है दोनों पक्ष को दें और आम सहमति से वो उनको स्वीकार कर लेते हैं तो हम लोग इसमें सफल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी मामला आता है कि जो आवेदक है वो नहीं आते, उनके कोई दूसरे आ जाते हैं। हाँ, तो इस मामले में मैंने थाना अध्यक्ष को निर्देश दे दिया है कि जो आवेदक हैं जिन्होंने कंप्लेन दर्ज किया वही आए, क्योंकि वो कंप्लेन दर्ज किए हैं तो वही आएंगे, तो उनके ब्लड संबंध से मतलब ब्लड से रिलेशन संबंधित जो हैं वो आए। मान लीजिए कोई वृद्ध महिला आवेदन दी है तो उनके बेटे आ सकते हैं उनका पक्ष रखने, ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन, कोई बिचौलिया या कोई थर्ड पर्सन आकर के इसमें एंट्री करें, नहीं तो उस भू विवाद का समाधान संभव नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी समस्या यहाँ एक और भी कभी कभी हो जाती है टेक्निकल, चूँकि ये सरकार का निर्देश है कि एक शनिवारीय बैठक में कोई पदाधिकारी रहते हैं, दूसरे शनिवारीय बैठक में कोई दूसरा पदाधिकारी चले आते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी आके मामला फंस जाता है। नहीं, मेन बात यह है कि जहाँ तक मुझे ज्ञात है सरकार का निर्देश है कि इसे चक्रीय योजना के तहत चलाएं। कभी जैसे मैं अभी राजस्व अधिकारी सदर दरभंगा हूँ, आज विश्वविद्यालय थाना में हूँ, तो अगले दिन मेरा ड्यूटी कहीं और होना चाहिए, और यहाँ हो सकते हैं अंचल अधिकारी रहेंगे, हो सकता है उसके अगले उनके द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया दूसरे अधिकारी या कर्मचारी जो जिनको यहाँ पर ड्यूटी लगाया जाएगा वो आएंगे, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो आवेदक है जिन्होंने आवेदन दिया दोनों पक्ष आवें, अपना अपना पक्ष रखें और शांति से उनका समाधान ढूंढा जा सके। लेकिन फिर दोबारा तो उन्हें फिर कहानी बताना पड़ेगा कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, थोड़ी सी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले से सारा कुछ मेंटेन रहता है, हम लोग साक्ष्य देख लेते हैं और उसके आधार पर जल्दी निर्णय हो जाता है। मैडम ये बताइए कि जो इन दिनों जो भूमि विवाद का निपटारा हो रहा है, क्या भूमि विवाद निपटारे में भी बिचौलिया प्रवेश कर गए हैं? फिलहाल मैं तो इसको ना कहूँगी, कर गए हैं तो हम लोग हैं, उनको हटा देंगे, और जो वादी प्रतिवादी हैं उनके बीच आपसी सौहार्द कायम करके उनके भी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। परिचय दे दीजिए। मैं राजस्व अधिकारी सदर दरभंगा हूँ।